टीवी की दुनिया में चलिए देखिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट में। तो हप्पू सिंह जी, तिवारी जी, विभूति जी के साथ साथ जो फैंस को जिनका इंतजार था, उनके इंतजार की घड़ियां खत्म है बिकॉज वो लौट आई है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अनीता जी यानी कि सौम्या जी की। सौम्या जी वेलकम। मैं आ गई आप आ गई। और मैं आपको क्या बताऊँ, जो कास्ट क्रू फैंस ही नहीं, हम भी आपका बेसब्री से इंतजार कर रहे थे बिकॉज भाभी जी का एक इम्पॉर्टेंट जो मेंबर था उसे हम काफ़ी मिस कर रहे थे। जी जी धनी, बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत मेरे व्यूअर्स ने और मेरे सोशल मीडिया पे फॉलोअर्स फ्रेंड्स ने मुझसे कई महीनों से मुझसे पूछ रहे हैं आप कब आ रहे हो। जिम्मेदारी भी आ गई है, ज़रूर मेरा बेबी मेरे साथ आता है आजकल शूट पे, मेरी वैन में रहता है। द वेरी फर्स्ट मोमेंट जब आपने हाथ में लिया बेबी को, वो क्या एहसास था? यार वो एहसास डेफिनेटली बहुत डिफरेंट था, लेकिन उस वक्त मैं इतनी पेन में और मुश्किलों में थी कि उस वक्त कुछ ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा था। थोड़ा सा वो एनेस्थीसिया भी होता है तो मेरे ख्याल से मुझे एहसास थोड़ा लेट हुआ। वो उस टाइम तो बहुत हबड़ तुबड़ थी, लेकिन इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल फीलिंग डेफिनेटली। और अब जब वो आ गया है मेरी लाइफ में मेरा बेटा, तो अब मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कि अब कैसे उसके बगैर ज़िंदगी कैसे हो सकती है। तो अब सब कुछ उसी के इर्द गिर्द होता है, सब कुछ प्लानिंग और सब कुछ तैयारी भी ज़िंदगी की उसी के आसपास होती है। इसे आप कैसे मैनेज करें बिकॉज शूट आपकी प्रायर कमिटमेंट्स, बहुत ही कम ऐसे एक्टर्स होते हैं जो इसके बाद शो को कंटिन्यू रख सकते हैं विद अ ग्रेस। आप लौट के आ गई, अभी दो जिम्मेदारियाँ वो भी हो रही है, तो इसे कैसे मैनेज करें? नहीं खैर, काम तो मुझे करना था यहाँ नहीं तो कहीं और, तो वो तो लाजमी था। थोड़ा सा चैलेंजिंग डेली सोप्स में ये हो जाता है कि हमारा रोज़ रोज़ का शूट होता है और लोकेशन बहुत दूर होती है, लेकिन मेरी जो यूनिट है वो बहुत ही सपोर्टिंग है। और स्पेशली मेरी जो प्रोड्यूसर है मिसेस कोहली, शी इज़ रियली द मोस्ट वंडरफुल प्रोड्यूसर। सास बहू और साजिश की पूरी टीम को, पूरे परिवार को मेरी तरफ से बहुत बहुत आभार। आपने मुझे बहुत सपोर्ट किया, आपने मुझे बहुत अच्छी विशेज़ दी, और मेरे दर्शकों को जो सास बहू साजिश के दर्शक हैं उन्हें भी थैंक यू सो मच। ये है ABP News, आपको रखे आगे।